हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू असुर पैराडाइज। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ स्पेशल और मेरे स्टाइल, वसुधा स्टाइल। सो लेट्स सी व्हाट आर वी मेकिंग टुडे। फ्रेंड्स, हमारे पास है हल्दी, चिकन मसाला, घाटी मसाला और गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, टमाटर, 3 टमाटर छोटे मीडियम साइज लिए हैं मैंने, जो कि बारीक कटे हुए हैं, प्याज 3 मीडियम साइज बारीक कटे हुए, और हरी मिर्ची, लहसुन, धनिया और मेयोनेज कबाब। ये मैंने कबाब ऐसे मिलते हैं जो मैंने पीसेस में काट लिए, और राइस जो हमारे पास बना हुआ है ऑलरेडी। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी ऑफ द सीक्रेट। कढ़ाई में थोड़ा तेल ले लिया है, कबाब्स को थोड़ा फ्राई करना है, शैलो फ्राई तक हम इसका वेट करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाने चाहिए और फिर निकाल देंगे। कबाब हो रहे हैं फ्राई, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा इनको टर्न कर लेते हैं। ये देखिए हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, वी विल टर्न देम थोड़ा अपसाइड डाउन। हाँ देखिए फ्रेंड्स, अब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हमने निकाल दिए हैं सी द कलर। ठीक है, अब हम इसमें लेफ्ट ओवर ऑयल निकाल देंगे। हमने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया है, लेफ्ट ओवर ऑयल में हम लोग अनियंस डाल देंगे और इनको भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। हल्के से ओनियंस जब ही फ्राई हो जाए, आधा चम्मच नमक जो है इसमें डाल लीजिए साथ में। बाय द टाइम साइड बाय साइड हम ये जो लहसुन और मिर्ची हमने लिया था, थोड़ा सा नमक डाल के इसको कूट ले, दरदरी पेस्ट बना ले। गाइस, प्याज थोड़े लाइट ब्राउन हो गए हैं, इसमें हम डाल रहे हैं लहसुन और मिर्ची की दरदरी पेस्ट, और इसको भी लहसुन को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि इसकी जब तक वो स्मेल नहीं जाएगी, रॉ स्मेल, तब तक इसको भून लेते हैं। थोड़ी तेज आंच पे ही भुनना है, प्याज भी हमने तेज आंच पे ही किए थे। लहसुन की मस्त खुशबू आ रही है लहसुन के भुनने की। अब ये जो बारीक कटे टमाटर है ये इसमें डाल देते हैं, और थोड़ी सी जो हल्दी है 1.5 चम्मच वो भी इसमें डाल देते हैं, और वो डाल के मिक्स करके, तेज आंच पे ही है, मिक्स करके हम लोग उसको ढक के रख देते हैं 3 मिनट के लिए कम आंच पे, ताकि टमाटर गल जाए। फ्रेंड्स, 3 मिनट हो गए हैं, ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो गल गए हैं। अब हम उनको प्रेस भी कर रहे हैं तो वो एकदम से गल गए हैं अच्छे से। अब हम इसमें साथ में ही थोड़ी सी आंच तेज कर लें, हम डालेंगे ये 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चिकन मसाला, ये घाटी मसाला 1.5 चम्मच, और थोड़ा सा नमक। नमक हम थोड़ा ज्यादा ही रखेंगे, बिकॉज हम लोगों को इसको, एज यू नो वसुधा स्टाइल ऑफ पुलाव, हम लोग बाद में इसको बने हुए राइस में मिक्स करते हैं। लेट्स मिक्स टुगेदर। ये देखिए मस्त कलर आ गया है, एंड इट इज लुकिंग रियली गुड। और अब हम इसमें डाल देते हैं कबाब। ये देखिए मिक्स कर लीजिए अच्छे से, मिक्स हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा ये भुन रहा है, थोड़ा 2 मिनट के लिए वेट करके अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं पानी। आज हमने धीमी नहीं करी थी, ये देखिए लगभग 1 ग्लास पानी, और इसको बॉईल करने के लिए रख के ढक के रख देते हैं 10 मिनट के, सिंपल। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं, ढक्कन उठा लेते हैं। मस्त, ये देखिए ऑयल एंड ऑल सब ऊपर आ गया है, थोड़ा सा इसको तेज आंच पे कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, ओनली फॉर 2 मिनट्स, और थोड़ा हिलाते रहे बीच बीच में, बट ध्यान से, क्योंकि कबाब टूटने नहीं चाहिए, थोड़े से ये सॉफ्ट हो गए, हल्के सॉफ्ट, इसीलिए पहले हमने फ्राई किए थे ताकि ये टूटे ना। देखिए बिल्कुल नहीं टूटे हैं, एकदम इसके पीसेस बरकरार हैं। ठीक है, अब इसको कर देते हैं बंद,
और हम डालते हैं इसको हमारे बने हुए चावल। ये देखिए, डाल दिया हमने हमारे बने हुए चावलों में। ठीक है, अब इसमें साथ में डालेंगे हम थोड़ी सी हरी धनिया और इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। इसको कर लीजिए मिक्स ध्यान से, साइडों साइडों से, जैसे कि हमें पता है क्योंकि कबाब टूटने नहीं चाहिए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी इसको ढककर रख देते हैं 5 मिनट के लिए और हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म। सो फ्रेंड्स, मैं एंजॉय करती हूँ गर्मा गर्म कबाब पुलाव। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको कैसा लगे ये पुलाव। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट द न्यू रेसिपीज विच आई मेक। जो भी मैं नई रेसिपी बनाती हूँ बिना सब्सक्राइब किया आपको नहीं उसका नोटिफिकेशन आएगा। प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय, सायनारा। Thank you.